मैंने आज तक कभी अपने चैनल पे किसी ट्रेलर का रिव्यू नहीं किया, कभी ये नहीं कहा कि ये जो ट्रेलर है वो अच्छा है वो बुरा है। मैं हमेशा ही जो बुक होती है उसको पढ़ के बताता हूँ कि वो अच्छी है बुरी। मैं उसके कभी कवर के पेज से ये डिसाइड नहीं करता हूँ कि ये बुक अच्छी है या बुरी है, पढ़ने के बाद ही मुझे पता चलता है कि हाँ बहुत अच्छी है बहुत ख़राब है। ऐसे ही मूवीज़ के साथ होते हैं, आप ट्रेलर देख के ये नहीं कह सकते कि ये ट्रेलर बहुत, इसके जो मूवी आने वाली है वो बहुत अच्छी होगी या फिर जो ये मूवी होगी वो बहुत ख़राब होगी। खैर पॉइंट पे आते हैं, मैं ये ट्रेलर का रिव्यू कर क्यों रहा हूँ, फिलहाल रिव्यू नहीं है, कुछ बातें हैं जो मेरे मन में, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ इस ट्रेलर से रिलेटेड। मुझे नहीं पता कि मूवी कैसी होगी, अच्छी हो या बुरी हो, जो हम सोच रहे हैं उस उम्मीदों पे ये क्या खरी उतर पाएगी या नहीं उतर पाएगी, वो जब मूवी रिलीज़ होगी 7 फरवरी को वहाँ पर बात करेंगे। मैं बात कर रहा हूँ शिकार, जो हाल फिलहाल में अभी एक ट्रेलर रिलीज़ हुआ है, जिसके जो डायरेक्टर हैं विदु विनोद चोपड़ा, जो डायरेक्ट कर चुके हैं पी के संजू जैसी मूवीज़ को। अब कुछ एक चीज़ें, कुछ डाउट्स उठते हैं दिमाग में कि भाई ये जो मूवी जो बनी है वो कश्मीरी पंडितों के, जो 1990 में उनको निकाल दिया गया था अपने ही राज्य में से, उनके घरों में से, उनके घरों में आग लगा दी गई थी, उनके जो बेटी बहू जो वाइफ थी उनकी इज्जत के साथ जो खेला गया था उस वक्त, इतना बुरा हाल कर दिया गया था, कश्मीरी पंडितों को मारा गया था, क्या क्या वो वहाँ पे वो लगा रहे थे, उन्होंने पोस्टर लगाए गए थे। तो क्या ये मूवी वो सारी सच्चाई दिखा पाएगी? उम्मीद करता हूँ कि जब जो जिन कश्मीरी पंडितों को बेदखल कर दिया गया उन्हीं के घर से, आप खुद सोच के देखिए, अगर आप भी कोई आपके घर आए और आपको बोले कि भाई तू ये घर खाली कर दे और अपनी बहन और बेटी या अपनी वाइफ को यहीं छोड़ के चला जा और तुझे इस घर से निकलना है, तो सोचो यार आपके दिल पे तब क्या बीतती है। आपको कोई आके ये बोल रहा है, आपको बोल रहा है कि ये घर अगर तूने खाली नहीं किया, ये राज्य अगर खाली नहीं किया तो तेरे को गोली मार देंगे, तो ऐसी ऐसी सिचुएशन के अंदर ये बात सुन के शायद आपके रोंगटे खड़े ना हो, ये जब महसूस करोगे ना तब शायद आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। कैसे 1990 में जबकि सरकार जो थी वो कैसे तमाशाहीन बन के सिर्फ तमाशा देख रही थी, लाखों 3 से 6 लाख कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाल दिया गया 1990 में, जिनकी संख्या 3 से 6 लाख थी, 2016 में उनकी संख्या केवल 2 से 3 हज़ार रह गए। सोच सकते हो कितने बड़े पैमाने पे कश्मीरी पंडितों को उनके घर से निकाला गया। अब मुझे उम्मीद यह है कि भाई ये जो मूवी है वो ये चीज़ें दिखाएगी कि भाई क्या हुआ था, रियलिटी में क्या हुआ था, ये नहीं कि भाई जो हमारे देश का कुछ एक कश्मीर का हिस्सा जो पाकिस्तान के कब्जे में, जो पाकिस्तान बड़े चौड़े में होके कहता है कि ये आज़ाद कश्मीर है भले वो उसके कब्जे में है, वो ये ना दिखाई ये मूवी कि भाई उस कश्मीर से जो पाकिस्तान के हिस्से में है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर जिसे POK बोलते हैं, उस कश्मीर से कुछ लोग आए जिन्हें आतंकवादी इस मूवी में कहा है, मिलिटेंट जिन्होंने बताया है, वो मिलिटेंट कश्मीर में आए और वो पोस्टर लगा के चले गए कि भाई जितना जल्दी हो सके कश्मीरी पंडित अपने घर को खाली कर दे वरना उनको गोली मार दी जाएगी, उनके घरों में आग लगा दी जाएगी। वो ये ना दिखाएं कि भाई सिर्फ और सिर्फ उनकी वजह से कश्मीरी पंडितों को अपने राज्य में से निकलना पड़ा, कि वहाँ की जनता और जो गवर्नमेंट थी वो तो बेचारी मासूम थी, उनका इसमें कोई हाथ नहीं था, वो तो वो बेचारी कर भी जा सकती थी, ये सब चीज़ें देखने को ना मिले। कहीं ये मूवी सिर्फ इस चीज़ को जस्टिफाई ना कर दे कि ये सारा किराया किराया करा किराया सिर्फ और सिर्फ मिलिटेंट का था, आतंकवादियों का था, जो POK से आए थे, कश्मीरियों का जो जो वहाँ के जो मूल निवासी थे उनका उनका कोई हाथ नहीं था इस चीज़ के अंदर, वहाँ की गवर्नमेंट का इस चीज़ में कोई हाथ नहीं था, ये सब चीज़ें ये मूवी इसको जस्टिफाई ना कर दे। देखो यार उनको काफ़ी टाइम हो गया, 1990 से लेके आज 2020 में खड़े हैं, 30 साल हो चुके हैं इस बात को, और 30 साल में उन कई लोग सिर्फ अपने घर के इंतज़ार में बैठे हैं, वो रिफ्यूज़ी कैंप में बैठे हैं दिल्ली में, छोटी सी जगह, जिन अपनी अपना घर छोड़ के एक टेंट में रह के वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं, उनको दर दर की ठोकरें खाने पड़ रही हैं, उनका कसूर क्या था, सिर्फ एक रिलीजन से उनका होना कि भी वो हिंदू से हैं। और एक ये बड़ी चीज़ आ जाती है, अगर मैं अपनी वीडियो के अंदर, अपनी थॉट्स के अंदर मैं अगर ये कहता हूँ कि हिंदू की बात करता हूँ तो लोग आ जाते हैं मुझे टारगेट करने, ये बोलने कि भाई तेरी नैरो सोच है, तू BJP का पेड़
पेड है, तूने पीजीपी ने तुझे को पेड दिया, पेमेंट दी है, तू उनके फेवर में बोल रहा है, ऐसे ऐसे कमेंट आए हैं मुझे। यार हैरानी की बात है, अगर कोई अपने धर्म की बात करता है उसको बताता है कि क्या क्या चीज़ें हुई, अगर कोई अपने राष्ट्र की बात करता है तो उसको एक पार्टी से जोड़ दिया जाता है, उसको नैरो माइंडेड कहा जाता है, वो लिबरल नहीं है, वो सेक्युलर नहीं है। देखो यार, ना तो मैं लिबरल और सेक्युलर ऐसे बन सकता हूँ कि भाई अपना जो एक प्रमाण पत्र लेके बैठा रहूँ कि हाँ भाई मैं सेक्युलर हूँ, मैं लिबरल हूँ, मेरी नैरो सोच नहीं है। हमारे देश में ऐसा ऐसी ऐसे हालात हो गए हैं कि अगर कोई देश को गाली दे, अपने देश के वो कहे कि टुकड़े टुकड़े होंगे, या फिर अपने ही धर्म के खिलाफ कोई उल्टा सीधा बोल दे, या जो बोल रहे हैं उनका समर्थन कर दे, उसी को वो सेक्युलर कहेंगे, उसी को वो लिबरल कहेंगे, उसी को वो कहेंगे कि ये ज़्यादा पढ़ा लिखा वो बुद्धिजीवी है, इसका विकास होना चाहिए, लोग फिर उसके लिए आवाज़ें उठाएंगे। देखो यार, ना तो मैं ऐसा बंदा हूँ, अपनी सीधा से अपना सीधा फंडा है, अगर किसी के खिलाफ गलत हुआ है वो रिलीजियन हिंदू थे, उनको हिंदू होने के कारण उस राज्य से निकाला गया, इस बात से नकारा नहीं जा सकता। दूसरी बात भैया, अपने लिए अपना राष्ट्र प्रथम है। अब ये जो दूसरे ये जो लोग बोल रहे हैं ना, जिसने कमेंट करके मुझे कहा था कि भाई तू तो बीजेपी ने तुझे पेमेंट दी है, भाई सुन, मुझे किसी ने कोई पेमेंट नहीं दी, ना तो अपना इतना कोई बड़ा सब्सक्राइबर बेस है, ना अपने पास इतने लाइक्स आते हैं, ना अपने इस पर व्यू आते हैं। खैर, अपने पॉइंट पे वापस आते हैं। जब आर्टिकल 370 जम्मू कश्मीर से हटाया गया, 335A जम्मू कश्मीर से हटाया गया, जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा छीन कर उसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया, तो बहुत सारे लिबरल सेक्युलर एक्टिविस्ट आके खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि भाई ये जो कर रही है गवर्नमेंट, उन्होंने इस दे जो ये कश्मीरी हैं उनकी जज्बातों के साथ खेला है, ऐसे ऐसे फालतू की चीज़ें बिना सर पैर की बातें बोल के लोगों को भड़काया उन लोगों ने। मुझे आज तक समझ नहीं आया, अगर कोई राज्य यूनियन टेरिटरी बनता है तो उसमें लोगों के जज्बातों का कहाँ से कोई नुकसान होता है, तो कोई इसको क्लेरिफाई कर दे ज़रा। मुझे लोग कहेंगे कि इसमें डेमोक्रेटिक थोड़ा सा डेमोक्रेसी कम हो जाती है भैया, यानी फिर तो दिल्ली में रहने वाले, चंडीगढ़ में रहने वाले, पौंडीचेरी में रहने वाले, इनके तो इनके यहाँ तो डेमोक्रेसी है ही नहीं, फिर तो सिर्फ एक जम्मू कश्मीर और लद्दाख ही ऐसे होंगे जहाँ डेमोक्रेसी कम होने वाली है। कितने हज़ारों कश्मीरी पंडितों के जनेऊ जलाए गए, उनकी हत्याएं की गई। एक एनडीटीवी, जो मैंने एक जब इसके बारे में सर्च किया तो एनडीटीवी के ऊपर मुझे 6 साल पुरानी एक वीडियो मिली, वो आप जाके देख सकते हैं। उसके अंदर बहुत सारे कश्मीरी पंडित बुलाए गए एनडीटीवी के द्वारा, और एनडीटीवी के द्वारा बड़े ही शान से कश्मीर को वतन घोषित किया जा रहा है, कहते हैं उस वतन में थे। भाई एक चीज़ समझ लो, वो वतन नहीं है, हिंदुस्तान एक वतन है, और वो कश्मीर इस वतन का एक हिस्सा है, ना कि वो कोई वतन है, वो एक राज्य है, वो तो राज्य भी नहीं अभी फिलहाल, यूनियन टेरिटरी जहाँ डेमोक्रेसी कम हो चुकी है, ठीक है भाई साहब। और ये बोल रहे हैं ना कि भी पहले जो कश्मीर में, जब ये 1990 से पहले वहाँ पर बहुत भाईचारा था, बहुत सारी जो ये मिलीजुली संस्कृति रहा करती थी, ये थोड़ा सा फेक जो ये मिथ जो फैला रखा है ना देश के अंदर, वो भी इस मूवी में शायद दिखाने की कोशिश की जाए कि भाई ऐसा नहीं था। आप जाके किसी कश्मीरी पंडित से पूछोगे तो वो बताएगा कि भी उनके साथ क्या सलूक किया जाता था, उनको कैसे दबा के रखा जाता था, एक कलर की नौकरी से ऊपर उनको नौकरी नहीं दी जाती थी, कैसे एक माँ अपने बच्चे को ये कहती थी कि भी बेटा तू अगर बाहर जा रहा है तो अगर तुझे कोई गाली दे तो सुन लियो, अगर तुझे कोई मारे तो चुपचाप सह लियो। तो ये चीज़ें एक कश्मीरी परिवार अपने बच्चे को वहाँ पर सिखा रहा था, कैसे वो सह रहे थे, और कैसे 3 आतंकवादियों ने एक कश्मीरी पंडित का कत्ल करके उसका मांस जो है उसकी वाइफ को खिलाया, और वो तीनों आतंकवादियों को जो जिन उन तीनों आतंकवादियों की मदद करने के लिए जो उसका पड़ोसी थी, एक महिला जो पड़ोसी थी, उसी ने उनकी तीनों आतंकवादियों की हेल्प की थी, इशारा करके बताया था कि वो कहाँ पे है। उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें इस मूवी में दिखाई जाएं, देश को गुमराह ना किया जाए, किसी चीज़ को जस्टिफाई करने की कोशिश ना की जाए, जो है वो दिखाया जाए, इतनी उम्मीद है इस मूवी से। और एक और बात, लास्ट में जो इस मूवी के अभी जो ट्रेलर रिलीज हुआ है उसमें जो डायलॉग है ना, हम वतन में वापस आएंगे, उससे थोड़ा सा दिल में हुआ दर्द कि भैया ये वतन ये कश्मीर को बोल रहे हैं या फिर किसको बोल रहे हैं वतन, थोड़ा सा क्लेरिफाई कर देते वहाँ पे। वो तो जब मूवी आएगी तब देखेंगे, उसके ऊपर तब बात करेंगे। फिर भी एक बात कह दूँ, वतन हिंदुस्तान है, कश्मीर इस वतन का हिस्सा है, वो वतन नहीं है, वो एक हिस्सा है, अभिन्न अंग है, POK भी इस भारत का एक अभिन्न अंग है। जब ये वीडियो बना रहा हूँ तो दिल में तो
एक आग सी लगी हुई है कि भी तब 1990 में इतने लाखों पंडितों को जब घर से निकाला गया तब इस देश ने कुछ नहीं कहा। तब तो ये सेक्युलरिज्म तब नहीं था, चलो तब नहीं था, आज की डेट में भी नहीं है। अगर आज कुछ हो जाता है ना किसी एक समुदाय को, तो वहाँ पे जो कैसे वो न्यूज़ यूएन तक चली जाती है, फिर वो ह्यूमन राइट्स की बात आ जाती है। उम्मीद तो यही है कि ये जो मूवी है इसके अंदर पूरा सच दिखाया जाए, जो उनकी हालत हो गई थी वो पूरे अच्छे से जस्टिफाई की जाए, कम से कम उनको न्याय तो मिले यहाँ पे। आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।